चलते चलते हम आज आ गए हैं राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर में। राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर, जिसका परिचय इतना कि स्थापित हुआ 1984 में और अब तक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए पूर्वांचल में बेहद ही चर्चित। इससे पहले कि हम आपको आगे कैंपस के अंदर ले चलें और आगे की यात्रा करवाएं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। असल में लोकेशन क्या है इस जगह की? लोकेशन ये है कि जब आप जौनपुर से बाबतपुर की तरफ बढ़ते हैं, बनारस की तरफ, तो जो हाईवे है बनारस लखनऊ हाईवे, उसी हाईवे से लगकर थोड़ा सी दूर पे कोई जगदीशपुर नाम का एक गांव है, एकदम ग्रामीण एरिया है, उसी जगह पे ये कॉलेज बसा हुआ है 1984 से। तो अंदर आगे बढ़ते हैं कॉलेज कैंपस की ओर, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पेड़ वगैरह तो बढ़िया लगा हुआ है और ये रोड सीधे चली गई, ये बॉयज़ हॉस्टल की तरफ निकल गई है। और इस तरह मेरे दाहिने साइड में यहाँ पे आपको कॉलेज ऑफिस और यहाँ पे ब्रांचेस डिपार्टमेंट सब कुछ है। ये यहाँ का प्लेग्राउंड है। लगभग 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, जिसके कारण प्लेग्राउंड पे नई नई घास की प्रजातियाँ उगाई है, यानी अशोक के पेड़ लगा दिए गए हैं। अशोक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है, तो ये आने वाले 10-20 सालों में बढ़िया छाया प्रदान करेंगे। अभी तो फ़िलहाल इनका शैशव काल चल रहा है। यहाँ आप कॉलेज के अंदर जब आ जाएंगे तो ये टर्न आपको ले जाता है कॉलेज ऑफिस की तरफ और डिपार्टमेंट की तरफ। एक रोड ये भी है जो कि आपको इधर ले जाता है। आगे बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। ये कॉलेज के सामने गार्डन वाला हिस्सा है, जैसा कि हर कॉलेज में होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फूल कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और चूंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, इसलिए आपको भी ऐसा उम्मीद कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भवन की ओर। और यहाँ पे देखिए पानी टंकी है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भवन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। काफ़ी दिनों से खुला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का माहौल है। ये खुलेगा जब नया एडमिशन होगा, नया सेशन चलेगा, और फिर से एक बार गुलजार हो जाएगा। एक कबूतर बैठा है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जियो वाईफाई सर्विस यहाँ भी अवेलेबल है। आपको सबूत के तौर पे मैं टावर भी दिखा दूँगा, आप भरोसा कर लीजिएगा। तो जब आप यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट बनेंगे, तो आपके लिए यही गेट होगा, यही एंट्रेंस होगा। यहाँ ठीक जस्ट डिपार्टमेंट के सामने ये है, और ये आप ही हम उधर से आ रहे हैं। और भी हिस्सों में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एक नल भी है। नल ये चालू है नल। यहाँ पे यही जियो टावर है, जिसके थ्रू आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ये हम आगे बढ़ रहे हैं हॉस्टल वाले रास्ते पे, और खोजने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टल है तो है किधर। असल में हमको बताया ये गया है कि कोरोना के कारण काफ़ी दिनों से हॉस्टल खुला नहीं है, तो ये दो रास्ते हैं, पगडंडियाँ हैं, पकड़ के जाना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। ये कॉलेज का बिल्डिंग है, उसका पिछला हिस्सा है, तो आप इस तरह देख सकते हैं इसको। इस जगह से अब हम बाएं मुड़ते हैं और बाएं की तरफ आगे चलते हैं। देखिए जंगल यहाँ भी है, और यही हर पॉलिटेक्निक का एक सार्वभौमिक सत्य है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जंगल में ही बसा होता है, खासकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ने के इच्छुक हैं और आपकी ये लालसा है, मन में इच्छा है कि हमको पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही, तो आपको इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख तो रही है, शायद यही
है आपका हॉस्टल। कोशिश करता हूँ कि आप तक हॉस्टल की तस्वीर पहुँचाई जाए। हालांकि एक बात साफ बता दूँ मैं कि अभी यहाँ लड़के रह नहीं रहे, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि किस जंगल में है, लेकिन जगह सही है। ये रहा आपका हॉस्टल पहला। आइए आगे बढ़ते हैं। और नया बना हुआ है तो दिख रहा है ये हॉस्टल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम छात्रावास। ये आपके स्वागतम का बोर्ड लगा हुआ है और ताला बंद है, तो ताला बंद रहने ही दिया जाए। आप बाहर से इसको देख लीजिए। ये रहा आपका छात्रावास। ज़्यादा क्या दिखाया जाए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अंदर वाटर कूलर भी लगा हुआ है। मिला जुला के व्यवस्थाएं अच्छी हैं, रहने लायक हॉस्टल है। अब इस हॉस्टल के बाद से मैं आपको दूसरे हॉस्टल की तरफ ले चलूँगा। देखना यह है कि सब हॉस्टल लगभग सेम ही होते हैं, तो आपको गर्ल्स हॉस्टल भी दिखाऊंगा मैं। ये आप देख सकते हैं कलाम हॉस्टल, कलाम हॉस्टल ही है ये। और इस रास्ते से हम वापस आ रहे हैं, अब दूसरे हॉस्टल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल ही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। हालांकि ये जंगल कम होंगे जब स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। ये दूसरा छात्रावास है और इसके स्ट्रक्चर से और देखने से ही लगता है ये सीनियर्स का है, यानी इसमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के ही लड़के रहते होंगे पक्का, क्योंकि इसका जो ताला है वो काफ़ी अनुभव के साथ में बांधा गया है। देखिए इस ताले को किस तरीके से सेट किया गया है, तो ये जिम्मेदारी पूर्वक है, तो इसको देख के कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ही रहते होंगे। और ये थोड़ा सा पुराना हॉस्टल है। ये आपका हो गया दूसरा हॉस्टल, ये भी बॉयज़ हॉस्टल ही है। और अब हमको देखना है गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पे दूसरा हॉस्टल आपने देख ही लिया है, पहला हॉस्टल आपको कलाम छात्रावास, दूसरा स्वामी विवेकानंद छात्रावास। और आपको अब ले चलते हैं अगले हॉस्टल की तरफ, फिर आपको कॉलेज भी दिखाएंगे, डिपार्टमेंट भी दिखाएंगे, जितनी सी जानकारियाँ हमसे अवेलेबल हो जाएंगी उन सब चीज़ों को हम इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो चीज़ें हैं वो आप देख ही रहे हैं, अभी कोरोना का टाइम होने के कारण से सब कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी असल में होनी चाहिए थी, और ये चीज़ें बदल जाएंगी जब यहाँ पे एक बार फिर से एक फ्रेश एडमिशन होगा और नई बैच आएगी। फिर से जब कॉलेज खुलेगा, फिर से सारी क्लासेस चलने लगेंगी, स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, ऐसा होता आया है। तो हम वापस चलते, हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस हो जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो अभी वास्को डिगामा तो हम है नहीं कि समुद्री मार्ग खोज रहे हैं, तो इसलिए हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते हो जा रहे हैं। अब हम मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे इस रोड से, और देखेंगे कि क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। ये रहा आपका काफ़ी भव्य बिल्डिंग बनाया गया है राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर का। ये कॉलेज के जस्ट सामने ही टेनिस कोर्ट भी है, यहाँ पे आप खेल सकते हैं डेली। यहाँ इस कैंपस में काफ़ी हरियाली है, बरसात का वक्त है, और तो और यहाँ पे अशोक के बहुत ढेर सारे पेड़ हैं। यहाँ पे झंडारोहण किया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी पे। यहाँ पर जो जो भी कोर्स अवेलेबल है उसका ये डिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी।
तो इन सब का सीटों पे और शिफ्ट के हिसाब से डिटेल दिया गया है। ये मेन बिल्डिंग के बगल में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भवन, आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। और ये प्रधानाचार्य आवास है, यानी यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं। आगे स्टाफ कॉलोनी है, यहाँ पे कॉलेज के स्टाफ रहते हैं। और ये हम प्रधानाचार्य के आवास के आगे से निकल गए हैं इस रास्ते पे, और ये हमको शायद ले चलेगा। ये आगे तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, दूसरे रास्ते से जाना होगा हमको लगता है। देखते हैं क्या तरीका है। गर्ल्स हॉस्टल है कल्पना चावला छात्रावास। ये रहा आपका, सब बंद पड़ा है। आप यहाँ के गार्ड हैं, तो आइए इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ की बाकी की जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, लड़की कितनी लड़कियाँ रहती हैं यहाँ पे? 60 लड़कियों रहती हैं। 60 लड़कियाँ रहती हैं। तो जो लड़कियों को एक बार मान लीजिए कि हॉस्टल अलॉट हो गया, वो 3 साल रहेंगी या फिर सिर्फ एक साल? 3 साल रहेंगी। 3 साल। खाने रहने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ मेस में? अंदर सब व्यवस्था। और यहाँ पे सुरक्षा 24 घंटे? 24 घंटे। किसी प्रकार से किसी तरीके की दिक्कत अगर लड़कियों को आती है तो आपसे तुरंत बोलें और आप लोग समाधान उसका? तुरंत समाधान होगा, यहाँ स्टाफ पूरा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, यहाँ तुरंत व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और 24 घंटे यहाँ पे रह करके आपके सुरक्षा के लिए ही हैं। तो आप बेझिझक और बिना किसी चिंता के आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए और यहाँ पे आइए। तो ये हॉस्टल अलॉट करवाइए अपने नाम, अगर आपका रैंक अच्छा है, नंबर अच्छा है, और यहाँ पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। अंदर चलते हैं हम, फिर गर्ल्स हॉस्टल। ऐसा रूम है ऊपर देखिए, उधर जो है भोजनालय। अच्छा, भोजनालय उधर, बढ़िया सुंदर एकदम। कितना कमरा है यहाँ पे? 20 कमरा। 20 कमरा। एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? 3-3। और ऊपर भी वही 20 कमरे, लगभग 40 कमरे यहाँ? नहीं, 20 सब टोटल 20 हैं। हाँ, तो 20 कमरे। बड़ा बड़ा हाल है, तो 3-3, 4-4 तक थे। हाँ, तो मतलब 60 लड़कियाँ बड़े आराम से यहाँ पे रह लेती हैं। उससे ज़्यादा भी रहती हैं? नहीं, 60 मैक्सिमम 60। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीपल का पेड़ जो है वो मेरा फेवरेट प्लेस होता है। मैं कानपुर वाले पॉलिटेक्निक में गया था, वहाँ भी पीपल का पेड़ था, यहाँ भी है। तो मैं यहाँ पे बैठूँगा कुछ देर, थोड़ा छाँव लूँगा और शांति मिलती है और यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के जो है अवसर खुलते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ कुछ देर अब बैठूँगा। तो मैं इस समय बैठ कर यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ता रहा हूँ और बढ़िया पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन ले रहा हूँ। ये मान्यता है कि पीपल खूब भर भर के ऑक्सीजन देता है, तो हम मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है तो ले लिया जाए। फिलहाल देखिए, आपको अगर ये कॉलेज लेना है एडमिशन तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बशर्ते ये कॉलेज आपके लिए आपके प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी चॉइस होती है ये आपको सेट करना है। अगर आपको यही ही लेना है तो आप यही लीजिए, अगर आपको इसको बाद में रखना है, फर्स्ट चॉइस आपकी दूसरा कॉलेज है तो उसको रखिए बेशक। देखिए, यहाँ के आसपास जो सराउंडिंग्स है वो पूरी तरीके से आपके गांव जैसा ही है, मतलब कि ज़रा भी ये कह लीजिए कि शहरी पॉलिटेक्निक नहीं है एकदम। तो आप अपने हिसाब से इसको चॉइस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप तक में पहुँचाना इस वीडियो के माध्यम से।
तो जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं सब आपको इसी वीडियो में समेट के मैं दे रहा हूँ। और भी क्या चाहते हैं आप अपनी डिमांड रख सकते हैं।